जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जाति वंश आदि की परंपरा है और इसी परंपरा के अनुसार जितने भी बड़े बड़े राजकुल हुए हैं उन सभी को अलग अलग वंश के रूप में पहचाना गया। तो मित्रों, आज मैं इसी संबंध में बात करने वाला हूँ। आप लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध दोनों चचेरे भाइयों के बीच में होता है, यानी कि एक ही वंश के दो पार्ट हो जाते हैं और कहा जाता है कि यह कुरुवंश का युद्ध था। लेकिन क्या मित्रों, इसमें कुरुवंश के ही लोग युद्ध कर रहे थे? अगर सीधा उत्तर पूछा जाए तो मेरी दृष्टि में तो इसमें कुरुवंश से संबंधित कोई नहीं था, केवल एक भीष्म पितामह को छोड़कर। क्योंकि हमारे आपके समाज में पिता से ही वंश का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के द्वारा प्राप्त हुए, लेकिन वह चंद्रपुत्र ही कहे जाते हैं, उनको कोई गुरु बृहस्पति का पुत्र नहीं कहता है। इस विषय में आप लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं होगी तो मैं किसी अलग वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा कि कैसे बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ आप कुरुवंश में देखिए तो भीष्म पितामह महाराज शांतनु और माता गंगा के पुत्र हैं और उसके पश्चात माता सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर, और उनकी समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनके कोई संतान नहीं है और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में नियोग के द्वारा पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म होता है, यानी कि वो महर्षि वेदव्यास के पुत्र हुए। क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में वंश का निर्धारण तो जो है पिता के द्वारा होता है और महर्षि व्यास भी माता सत्यवती के पुत्र थे, लेकिन महाराज शांतनु के संयोग से नहीं, वो ऋषि पाराशर के पुत्र हैं। तब ऐसी स्थिति में कुरुवंश से उनका क्या रिश्ता रह गया? लेकिन कुरुवंश में स्थापित माना जाता है, तो आपकी दृष्टिकोण में क्या ये ठीक है कौरव पांडव धृतराष्ट्र या पांडु को कुरुवंशी कहना क्या उचित है? ये निर्णय मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। इसलिए मेरे विचार से तो इस महाभारत के युद्ध में केवल एक ही कुरुवंशी भीष्म पितामह के द्वारा युद्ध लड़ा गया। आप लोग अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से, आपको मेरी बात कैसी लगी? अगर सहमत हैं या असहमत हैं तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।